उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ में आई बाढ़ से मची तबाही को कौन भूल सकता है। साल 2013 में आई 79 मिलीमीटर बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों के घर उजाड़ दिए, नदियों का रास्ता बदलने से मंदिर में पानी भरने लगा, जिससे रात भर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। तबाही का मंजर जिस किसी ने सुना या देखा उसका दिल दहल गया। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ही घटना के संयोग उत्तराखंड के जेशी मठ में बन रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के जेशी मठ में पिछले साल नवंबर में जमीन धंसने से घरों में दरारें आने की घटनाएं सामने आई थी। अब यहाँ धरती फाड़ कर जगह जगह से पानी निकलने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। ऐसी तस्वीरें सिर्फ जेशी मठ से ही नहीं बल्कि मारवाड़ी में भी देखने को मिली, जहाँ जमीन धंसने से जेपी कंपनी के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जिसके बाद कॉलोनी को खाली करा लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले तो अचानक रास्ता टूट गया, फिर उसके बाद उन दरारों में से तेज भाव के साथ पानी भी आना शुरू हो गया। इस घटना ने लोगों में एक बार फिर साल 2013 की यादों को ताजा कर दिया है। जिस ओर देखो उसी तरफ बाढ़ का मटमैला पानी, लोगों की तैरती लाशें और वही चीख पुकार। जानकारी के मुताबिक जेशी मठ के मारवाड़ी में पिछले कई महीनों से जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीमों ने स्थानीय लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया है। लेकिन उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि घरों में आ रही दरारें शहर की कमजोर बुनियादी ढांचे, कंस्ट्रक्शन, शहर की कैपेसिटी और नदी के कारण होने वाले कटाव की वजह से आ रही है। अब सवाल यह है कि अगर फिर ऐसी घटना दोबारा घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेबीटी लाइव।